दिल्ली के मुंडका में बिल्डिंग में आग लगने के कारण 27 लोगों की जान चली गई। इस घटना पर शोक जताते हुए भाजपा दिल्ली प्रदेश ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से घटना की कड़ी जांच करने की मांग की। नेता विपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी ने दावा किया कि बिल्डिंग में अवैध जनरेटर का उपयोग किया जा रहा था, साथ ही यह भी कहा कि ग्राम सभा की जमीन पर बनी है, लेकिन इलाके के एसडीएम द्वारा अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया गया। मुंडका में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से आज ये जरूर पूछना चाहता हूं कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली में अनेक स्थानों पर आग लगी है। मुंडका में जिस इमारत में आग लगी है, लोगों का यह कहना है कि फायर ब्रिगेड को 4:40 पर सूचना दे दी गई और फायर ब्रिगेड 1 घंटा देरी से पहुंची। उससे पहले बचाव का काम लोकल पुलिस और क्षेत्र के लोग कर रहे थे। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये हाई राइज बिल्डिंग थी, फायर ब्रिगेड के पास क्या लोगों को बचाने के लिए क्रेन थी? मौके पर समय पर क्रेन क्यों नहीं पहुंची? समय पर क्रेन पहुंचती तो काफी उसने लोगों की जान बच सकती थी। अभी जो जानकारी है कि 27 लोगों की मृत्यु हुई है, ये जानकारी भी है कि 2 फायरकर्मियों की भी मृत्यु हो गई है। मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल करना चाहता हूं, क्या इस बिल्डिंग के मालिक ने फायर से एनओसी ली? यदि नहीं ली तो क्या फायर डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया? उस इमारत में केवल 1 दरवाजा था, दूसरा दरवाजा भी नहीं था। क्या कभी फायर डिपार्टमेंट ने या एरिया की एसडीएम ने उस बिल्डिंग को विजिट किया? अरविंद केजरीवाल की सरकार यह दावा करती है कि हम दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली में जनरेटर चलाने पर रोक लगी हुई है और इस बिल्डिंग में जनरेटर चल रहा था, जीने के नीचे जनरेटर रखा हुआ था। तो हम पूछना चाहते हैं, जब जनरेटर चलाने पर रोक है और 24 घंटे दिल्ली में लोगों को बिजली मिल रही है, तो जनरेटर चलाने की अनुमति किसने दी? और यदि जनरेटर का इस्तेमाल हो रहा था तो एरिया के एसडीएम ने क्या कार्रवाई करी? मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं, जो जानकारी हमारे पास आई है कि यह बिल्डिंग ग्राम सभा की जमीन पर बनाई गई, तो उस एरिया के एसडीएम और डीएम की जिम्मेवारी होती थी कि वो ग्राम सभा की लैंड को प्रोटेक्ट करते। आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार ये बताए कि उनके एसडीएम और डीएम ने गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए? हम अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए, जिम्मेवारी तय हो, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया उनके परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में दे। ये मैं आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करना चाहता हूं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस एरिया के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, माननीय श्री हंसराज हंस जी को भी आज उपस्थित रहना था, वे मौके पर हैं, या जो लोग घायल हुए हैं
उनका हालचाल लेने के लिए, उनके इलाज की ठीक व्यवस्था हो रही है, उस काम में श्री हंसराज जी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के साथ जुटे हुए हैं। और इस घटना पर हमें बहुत अपना दुख व्यक्त करते हैं। शाम को 5 बजे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, पार्लियामेंट के मेंबर श्री हंसराज हंस जी और उनके साथ मैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव तिवारी जी मौके पर जाएंगे। यह जानकारी मैं आपको देना चाहता था। राष्ट्र सर्वप्रथम